और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कस्बे सुभाष नगर से जमीनी विवाद में मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक यहां एक देवरानी ने अपनी जेठानी के मकान पर कब्जा कर लिया है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि ये कब्जा रसूलाबाद पुलिस की शह पर किया गया है। जानकारी के मुताबिक बेलचा और हथौड़ा से ताला तोड़कर देवरानी ने जेठानी के घर पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि जमीनी बंटवारे के चलते दोनों परिवारों में मारपीट हुई है, जिसमें देवरानी का हथौड़ा और बेलचे से गेट को तोड़ते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। वहीं जेठानी को जब रसूलाबाद पुलिस से न्याय नहीं मिला तो उसने पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात से न्याय की गुहार लगाई है। जेठानी का कहना है कि उसके पति ने ये मकान बनवाया है, जिस पर अब देवरानी जबरन कब्जा कर लेना चाहती है। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। चल चल वीडियो बना देखे तो अच्छा तो रुपया लगो मैं तो रुपया ना भाई को भंस तू कर तू चला चला हथौड़ा चला तू हथौड़ा चला तू अब देख वीडियो बनाई है वीडियो बनाई है चला रहा तू चला रहा आई हो क्या नाम है रसूलाबाद से आए अर्चना नाम है क्या हो गया हमारा घर में बंटवारा हो चुका तो हमारे घर में जबरदस्ती वो घुस गई है रात में घुस गई है वो निकल नहीं रही और छेनी और वो हथौड़ा और बेलचा लेके हमें मारने की छूट रही धमकी दी उसने क्या उसका वीडियो भी बना है वीडियो हाँ वीडियो भी बनी है उसकी अच्छा, फिर आपने अधिकारियों को वीडियो दिखाया हाँ वीडियो हाँ रसूलाबाद में दिखाया क्या बोले वहाँ कुछ भी सुनाई नहीं हमारी आज यहाँ पुलिस अधीक्षक के न्याय के लिए आई है यहाँ फिर यहाँ आया है